की सरकार बनने से बागड़ की लाइफलाइन माने जाने वाली डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना के कार्य की दोबारा शुरू होने की बागड़ वासियों की उम्मीद फिर से जगी है कि इस बार यहां रेल दौड़ेगी। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार से लोगों को बेहद उम्मीदें हैं, खासकर बागड़वासी रेल के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। बागड़ अंचल की लाइफलाइन माने जाने वाली डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना का फिर से काम शुरू होने की बागड़वासियों को उम्मीद है। दरअसल कांग्रेस की पिछली सरकार के वक्त 2011 में जब डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन की परियोजना बनाई गई, उस वक्त इसके लिए रेल मंडल ने 2400 करोड़ का बजट तय किया था। उसमें 50% भागीदारी राज्य सरकार को निभानी थी, लिहाजा गहलोत सरकार ने उस वक्त तय राशि की 25% राशि केंद्र को दे दी थी और रेल परियोजना का काम शुरू भी हुआ था। लेकिन 2013 में सरकार बदली और राज्य सरकार ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, काम रुक गया। पिछले 5 सालों में रेल परियोजना को लेकर कीमत में भी काफी इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में लागत करीब 4000 करोड़ से ज्यादा, परियोजना की लंबाई 191.8 किलोमीटर, आवश्यक जमीन 1613.24 हेक्टेयर, अधिग्रहित जमीन 390.41 हेक्टेयर, अब तक खर्च 236 करोड़ रुपए। राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत सरकार आई है, लिहाजा अब डूंगरपुर बांसवाड़ा और रतलाम रेल परियोजना को लेकर लोगों में उम्मीद है, क्योंकि 20 सितंबर 2018 को सागवाड़ा में राहुल गांधी ने रेल परियोजना का काम फिर से शुरू करने का वादा किया था। साथ ही कांग्रेस ने परियोजना को प्राथमिकता के साथ घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। ऐसे में बागड़ के आम जन के साथ कांग्रेस के नेताओं को भी उम्मीद है। पहले ही हमारे राहुल गांधी जी ने जब सागवाड़ा के अंदर सभा की थी, उन्होंने सबसे पहली सभा थी विधानसभा चुनाव को लेकर के, उन्होंने स्पष्ट हमारी तरफ से कांग्रेस की तरफ से उन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो रेल प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया जाएगा। और उसके लिए जो पिछले टाइम पर अशोक गहलोत जी ने जो 1250 करोड़ का प्रावधान किया था यहाँ पर जमीन आवंटन के लिए, उसी के अंदर अब आगे बढ़ेगी सरकार। और अभी केंद्र सरकार के हाथ में है कि सरकार हमारी राजस्थान की इस रेलवे प्रोजेक्ट को वापस 100% शुरू करेगी। रेल परियोजना को लेकर डूंगरपुर के लोग काफी वक्त से मांग करते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार में इस परियोजना का काम शुरू नहीं हो पाया था। अब एक बार फिर से लोगों को अशोक गहलोत से ये उम्मीद है, बागड़ अंचल की ये मांग जरूर पूरी होगी। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।